ऑस्ट्रिया से एक महिला यूरोप के क्रोएशिया गई थी। वह वहां छुट्टियां मनाने गई थी। अपनी यात्रा के बाद वह वापस ऑस्ट्रिया लौट आई। बैग खोलने के बाद उसने डर के मारे उसे दूर धकेल दिया। क्या हुआ? न्यूज़वीक के अनुसार उसमें 18 बिच्छू थे। अरे जाहिर तौर पर यह एक माँ और उसके बच्चे थे। महिला डर गई और बैग बंद कर दिया। ऑस्ट्रियाई महिला ने तब टियरहाल्फ गुसेनटेल को सूचित किया, जो एक पशु बचाव सेवा है। वे आकर सूटकेस ले गए। टियरहाल्फ गुसेनटेल ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए कहा, आज दोपहर एक महिला ने फोन किया और हमें अपने बैग में 18 बिच्छुओं के बारे में बताया। जानवरों को सुरक्षित किया गया और बैग हमें सौंप दिया गया। ये बिच्छू ऑस्ट्रिया के नहीं हैं और क्रोएशिया के हो सकते हैं। उन्हें सुरक्षित वापस क्रोएशिया भेज दिया गया है। टियरहाल्फ गुसेंटेल ने कहा कि यह पहली बार नहीं है और इस तरह की तीसरी घटना है। पिछले महीने एक ऐसी ही महिला ने क्रोएशिया के लिए उड़ान भरी थी और अपने बैग में बिच्छू लेकर लौटी थी। हालांकि कुछ भी खतरनाक नहीं हुआ। बिच्छुओं की लगभग 2000 अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन उनमें से केवल 30 से 40 में ही इतना जहर होता है कि वे इंसानों को मार सके। हालांकि ये क्रोएशियाई बिच्छू दर्द, सूजन, खुजली, लालिमा और जलन पैदा कर सकते हैं। अरे बाप रे, जरा सोचिए कि घर लौटकर ये देखना, आप निश्चित ही मूर्छित हो जाएंगे। 18 बिच्छुओं को देखना कितना अजीब है।